नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। फानी तूफान, प्रधानमंत्री मोदी की सभा टली, योगी आदित्यनाथ की स्थगित। फानी तूफान की आहट चुनाव के मौसम में राजनीतिक दलों की भी परेशानी बढ़ा दी है। इसका असर चुनाव प्रचार अभियान पर पड़ रहा है। फानी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा एक दिन टालनी पड़ रही है। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा स्थगित करनी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा कोल्हान प्रमंडल के पश्चिम सिंहभूम के मुख्यालय चाईबासा में 5 मई को होनी थी। टाटा कॉलेज में होने वाली सभा अब 6 मई को होगी। यहां से मोदी सिंहभूम, जमशेदपुर, घुंटी आदि सीटों को साधेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के जमशेदपुर के गोपाल मैदान में 3 मई को प्रस्तावित थी। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी। पानी की संभावना को देखते हुए सभा को स्थगित कर दिया गया है। अब तक नई तारीख तय नहीं हो पाई है। CBSE 12वीं का परिणाम घोषित, लड़कों पर भारी पड़ी लड़कियां। CBSE बोर्ड की ओर से 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परिणाम में लड़कों के मुकाबले लड़कियां अधिक पास हुई हैं। इस साल कुल 83.40% छात्र पास हुए हैं, जिसमें 88.70% लड़कियां और 79.40% लड़के पास हुए हैं। इस बार DPS गाजियाबाद हंसिका शुक्ला ने पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। SB स्कूल मुजफ्फरनगर की करिश्मा अरोड़ा ने भी टॉप किया है। दोनों को 499 नंबर मिले हैं। बीते साल CBSE 12वीं का रिजल्ट 83.1% रहा था। 2018 में कुल 11.86 लाख छात्रों ने 12वीं का एग्जाम दिया था, जिसमें 78.99% लड़के पास हुए थे। वहीं लड़कियों के पास परसेंटेज 88.31 रहा था। बड़ा फैसला, केरल के एक मुस्लिम कॉलेज में बुर्के पर लगा प्रतिबंध। देश भर में बुर्का पर चल रहे बहस के बीच केरल के एक मुस्लिम कॉलेज ने गुरुवार को बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है। छात्राओं से कहा गया है कि कॉलेज बुर्का पहन कर न आए। मुल्लापुरम में एक अल्पसंख्यक कॉलेज में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और गौरतलब है कि शिवसेना ने सामान में आलेख लिखकर कहा था कि अगर रावण की लंका में बुर्का पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है तो राम की अयोध्या में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। इसके बाद देश भर में बुर्का पर चर्चा होने लगी। इस पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शिवसेना की मांग को आलोचना करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली पार्टी को यह पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुसार सबको अपनी पसंद की चीजें चुनने का अधिकार है। उन्होंने कहा, शिवसेना के अनजान लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि देश में पसंद एक मूलभूत अधिकार है। आगे उन्होंने कहा कि आलेख समाज को बांटने और ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।